मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी विधानसभा में होंगी? नहीं, ऐसा है कि इस समय हाईकमांड ने दूसरी बार मुझसे कहा, पहले लोकसभा के चुनावों में कहा उन्होंने कि आपको लोकसभा के चुनाव में एमपी का चुनाव अपनी वाइफ से लड़ाना चाहिए, मैंने उस समय भी इनकार किया। और इस बार जब सर्वे हुआ तो उसका नाम उसमें आया, मैंने फिर भी इनकार किया कि मैं चाहता हूं कि मैं परिवार से हमारा एक ही आए। लेकिन जिस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां उस राज्य में हैं और जिस प्रकार का जो ये निर्दलीय जो प्रत्याशी है जो उस प्रकार की लड़ाई लड़ने के लिए वह एक स्ट्रांग प्रत्याशी के रूप में मेरी जो पत्नी थी वो वहां उसका मायका है, उसकी अपनी जगह है, उसको उन्होंने कहा। वो कोई राजनीतिक जीवन में मेरा ही घर संभाल रही थी, मेरे बच्चों को ही संभाल रही थी और आगे भी वो ही संभालेंगे। लेकिन इन परिस्थितियों के हिसाब से मुझे जब फैसला लेने का समय आया तो मैं चाहता नहीं था, लेकिन फिर भी हाईकमांड ने जब आदेश दिया है मैं हाईकमांड के आदेश की अवहेलना नहीं कर सका, ये कारण रहा। और मैं 3.5 साल के लिए मेरी पत्नी वहां चुनाव लड़ने जा रही है। जब देरा की बात आई थी तो मैंने उस समय भी कहा था देरा मेरा, तो आज मेरे रूम में मैं वहां अपनी वाइफ को भेज रहा हूं। 3.5 साल वो वहां के जो विकास है उसको गति देगी और निश्चित तौर पर उसके बाद हम वहां किसी आने वाले समय में जो भी हम कार्य करेंगे तो वहां की जनता की भावनाओं के अनुसार करेंगे, क्योंकि मेरी वाइफ के साले वहीं रहते हैं, वही लोगों ने पंचायत प्रधानों ने अपील की, तो इसलिए ये मुझे फैसला करना पड़ा। लेकिन भविष्य में परिवार से एक ही राजनीति में ज्यादा तौर पर रहेगा। मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी विधानसभा में होंगी? नहीं, ऐसा है कि इस समय हाईकमांड ने दूसरी बार मुझसे कहा, पहले लोकसभा के चुनावों में कहा उन्होंने कि आपको लोकसभा के चुनाव में एमपी का चुनाव अपनी वाइफ से लड़ाना चाहिए, मैंने उस समय भी इनकार किया। और इस बार जब सर्वे हुआ तो उसका नाम उसमें आया, मैंने फिर भी इनकार किया कि मैं चाहता हूं कि मैं परिवार से हमारा एक ही आए। लेकिन जिस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां उस राज्य में हैं और जिस प्रकार का जो ये निर्दलीय जो प्रत्याशी है जो उस प्रकार की लड़ाई लड़ने के लिए वह एक स्ट्रांग प्रत्याशी के रूप में मेरी जो पत्नी थी वो वहां उसका मायका है, उसकी अपनी जगह है, उसको उन्होंने कहा। वो कोई राजनीतिक जीवन में मेरा ही घर संभाल रही थी, मेरे बच्चों को ही संभाल रही थी और आगे भी वो ही संभालेंगे। लेकिन इन परिस्थितियों के हिसाब से मुझे जब फैसला लेने का समय आया तो मैं चाहता नहीं था, लेकिन फिर भी हाईकमांड ने जब आदेश दिया है मैं हाईकमांड के आदेश की अवहेलना नहीं कर सका, ये कारण रहा। और मैं 3.5 साल के लिए मेरी पत्नी वहां चुनाव लड़ने जा रही है। जब देरा की बात आई थी तो मैंने उस समय भी कहा था देरा मेरा, तो आज मेरे रूम में मैं वहां अपनी वाइफ को भेज रहा हूं। 3.5 साल वो वहां के जो विकास है उसको गति देगी और निश्चित तौर पर उसके बाद हम वहां किसी आने वाले समय में जो भी हम कार्य करेंगे तो वहां की जनता की भावनाओं के अनुसार करेंगे, क्योंकि मेरी वाइफ के साले वहीं रहते हैं, वही लोगों ने पंचायत प्रधानों ने अपील की, तो इसलिए ये मुझे फैसला करना पड़ा। लेकिन भविष्य में परिवार से एक ही राजनीति में ज्यादा तौर पर रहेगा।